नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस ऑटोमोबाइल ज्ञान बाय गगन यानी कि AGBG वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर वी और इन लाइन इंजन जो है वो क्या होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा नहीं था तो मैंने सोचा क्या वीडियो बनाऊं, लेकिन हाँ, अब इस वीडियो में टॉपिक को बड़ा करने के लिए मैं आपको वी इंजन जो है उसके बेनिफिट्स और इनलाइन इंजन जो है उसके बेनिफिट दोनों बताऊंगा, साथ ही मैं बताऊंगा कि डब्ल्यू इंजन क्या होता है। देखो, वी इंजन और इनलाइन इंजन, ये जो भी इंजन होते हैं या इनलाइन को पैरेलल इंजन भी कहते हैं, ये इंजन जो है इंजन किस हिसाब से उसमें सिलेंडर रखे गए हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन का या जो सिस्टम होता है उसकी बात करते हैं। वी जो होता है उसमें कुछ इस तरीके से दो सिलेंडर्स जो है वो नीचे से जुड़े होते हैं और ऊपर से अलग होते हैं। इनलाइन में सिलेंडर स्ट्रेट होता है। इंडिया में चलने वाली लगभग सारी कार्स जो होती है, जो कि सस्ती तो मतलब 15 लाख 20 लाख के आसपास वाले बजट वाली, उसमें इनलाइन इंजन जो है प्रेफर किए जाते हैं। बड़ी कारों में जो परफॉर्मेंस कारें होती हैं उनमें वी इंजन प्रेफर किए जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा ऑडी, वॉक्सवैगन, ऑडी, BMW वगैरह की जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें होता है V6, V8, V10, V12। तो ये V6, V10 वाला जो सिस्टम है उसकी बात करते हैं कि आखिर वो क्या होता है। सबसे पहले पकड़ लेते हैं V6 को। V6 में तीन सिलेंडर के दो आपके पास बैंक होंगे, थ्री सिलेंडर और उसको कुछ इस फैशन में जमाया जाएगा, ठीक है, आपस में। अगर वही इंजन आपको 6 सिलेंडर का इनलाइन चाहिए होता है तो तीनों 6 के 6 इंजन जो है वो एक साथ सिलेंडर्स होते, लेकिन वी में उनको कुछ पैरेलली उनके इक्विवेलेंट रख दिया जाता है, एक एंगल बना दिया जाता है। आमतौर पे एंगल 45, 60 या 90 डिग्री का होता है इन दोनों के बीच में। फ़ायदा क्या होता है उसकी बात करते हैं। वी इंजन दरअसल जो होते हैं वो लोअर आरपीएम, कम आरपीएम पे ज़्यादा टॉर्क जनरेट करते हैं बजाय इनलाइन के। लेकिन इनलाइन क्योंकि सस्ते होते हैं इसीलिए हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमारी इकोनॉमिकल गाड़ियों में। वहीं वी जो होते हैं, अगर ऑड नंबर्स के साथ में आप ट्यून करना चाहो, यानी कि 6 सिलेंडर्स है तो 3-3 में करना चाहो, तो उनमें बैलेंस्ड शाफ्ट की ज़रूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, भले ही वो लो आरपीएम पे टॉर्क ज़्यादा जनरेट करें वो परफॉर्मेंस अच्छा। एक ये चीज़ भी है कि स्पेस वी इंजन कम लेता है, जो इनलाइन सिक्स मान लो अगर इतना स्पेस लेता होगा इंजन, तो V6 जो है वो स्क्वायर में उतना स्पेस नहीं लेता है और कम स्पेस लेता है। स्पोर्ट्स कार वगैरह में इसलिए भी प्रेफर किया जाता है कि 12 V12 यानी कि 12 सिलेंडर जो है वो कॉम्पैक्ट स्पेस में फीड कर दिए जाते हैं। वहीं 4 सिलेंडर का क्रेटा 1.6 भी सेम स्पेस में आपको देखने को मिलता है। तो स्पेस की कमी करता है वी, लोअर आरपीएम पे टॉर्क ज़्यादा देता है, लेकिन इनलाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है बनाने में, बहुत आसान होता है भले ही वो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले, और साथ ही में वो सस्ता भी पड़ता है। उसके बाद में आप बात करते हैं ये डब्ल्यू इंजन क्या होते हैं। डब्ल्यू इंजन जो है वो वी के मुकाबले और कम स्पेस लेते हैं, क्योंकि उसमें 2V, ये जो ऐसा डब्ल्यू बनता है, 2V जो है वो पास पास में लगा दिए जाते हैं और वो सारे एक ही जगह से कनेक्ट होते हैं, इसलिए वो थोड़ा और कम लेते हैं। और डब्ल्यू इंजन में कुछ नहीं है, डब्ल्यू इंजन बहुत कम देखने को मिलते हैं क्योंकि आमतौर पर इतनी ज़्यादा स्पेस की कमी होती ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत क्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपकी टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आओगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं आपके लिए रोज ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक नई ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।